नमस्ते, आई एम जेवीएन ज्योति कुमावत, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। टुडेज टॉपिक इज शिक्षा नीति, टीचिंग स्ट्रेटजी। शिक्षा नीति क्या है? शब्द नीति जो है मुख्यतः शिक्षण नीति या अनुदेशन नीति के साथ जुड़ा हुआ है। इसका सामान्य अर्थ यह है कि शिक्षण प्रदान करने की तकनीक जो कि स्टूडेंट्स को शिक्षण में सहायक है। और ये जो शब्द है ये यूनानी भाषा के शब्द स्ट्रेटजिया से लिया गया है जिसका अर्थ है प्लान। तो इसमें स्ट्रेटजी जो वर्ड है यूनानी भाषा शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या बताया है, प्लान। तो इस प्रकार की नीति जो कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करती है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। शिक्षक नीति की जो है परिभाषा दी गई है अलग अलग राइटर्स के द्वारा। स्टोनस और मॉरिस ने इस प्रकार परिभाषित किया, शिक्षण के लक्ष्यों के आधार पर पाठ की रचना इच्छुक छात्र व्यवहार के लिए सामान्य योजना तथा एक नीति को लागू करने की आवश्यक रणनीति ही टीचिंग स्ट्रेटजी कहलाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षण नीति एक योजना माध्यम और विशिष्ट ढंग है जो अध्यापकों के लिए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उन्हें नेतृत्व और निर्देशन और मार्गदर्शन कर देती है एक तरीके से। अब हम बात करें तो यह है टीचिंग नीति स्ट्रेटजी टाइप्स जो है इसके में मुख्यतः दो प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज, स्वेच्छाचारी जो नीतियाँ होती हैं निरंकुश। सेकंड है डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज जिन्हें प्रजातांत्रिक नीतियाँ कहा गया है। अब ये ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक को क्या है, किस तरह से डिफाइन करेंगे तो उसके बारे में बात करते हैं। ऑटोक्रेटिक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है आत्म केंद्रित मीन्स अध्यापक केंद्रित नीति है। यह पारंपरिक नीति है जिससे शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह नीति विषय वस्तु के इर्द गिर्द घूमती है और इसमें अध्यापक छात्रों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। छात्र की योग्यता, रुचि एवं अन्य मनोवैज्ञानिक पक्षों का इस नीति में महत्व नहीं है। तो यह नीति आत्मनिष्ठ है और छात्र को इसमें अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। इस नीति में मुख्यतः बहुत सारे स्ट्रेटजी शामिल किया गया है जैसे कि वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है लेक्चर स्ट्रेटजीज, लेक्चर देकर हम जो बनाते हैं लेक्चर को किस प्रकार से देना है उसकी हम रणनीति तैयार करते हैं उसको हम लेक्चर स्ट्रेटजी कहेंगे। सेकंड डेमोंस्ट्रेशन स्ट्रेटजीज, मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रैक्टिकल, कोई भी असाइनमेंट हमें डेमोंस्ट्रेशन के द्वारा बच्चों को समझाना है तो उसका डेमोंस्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज प्लान करनी चाहिए, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी स्टडी मटेरियल की, वो सभी उनको पूरा डेमोंस्ट्रेशन के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट वर्णनात्मक नरेशन जो स्ट्रेटजी है वर्णन करना, क्योंकि मेनली हिंदी भाषा में काव्य की रचना के लिए होता है। फिर है ट्यूटोरियल स्ट्रेटजीज, सत्र संबंधी नीति, विवरण नीति डिस्क्रिप्शन स्ट्रेटजी को कहलाती है। व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन स्ट्रेटजीज कि हमें किसी को भी किसी शिक्षा किसी भी एजुकेशनल टॉपिक को हमें व्याख्या के द्वारा समझाना है ऐसे लिखकर वो एक्सप्लेनेशन स्ट्रेटजी कहलाएगी। देन उदाहरण नीति इलस्ट्रेशन स्ट्रेटजीज, भूमिका निर्वहन रोल प्लेइंग, अभिगमन अधिगम प्रोग्राम लर्निंग, ये सारी की सारी जो भी नीतियाँ हैं वो आती हैं आपके ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी के अंदर। इसमें स्वच्छ अध्यापक केंद्रित है, अध्यापक ही अपने अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करके चलेगा इन सबको एंड देन ही और शी गिव्स द लेक्चर अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजीज। अब हम बात करते हैं प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी जो है यह नीति व्यक्ति केंद्रित नहीं होती है, इसमें प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है। व्यक्ति केंद्रित नहीं होकर प्रजा सबको ध्यान में रखकर चाहे तो जो भी आपके बैठे हुए हैं उन सबको ध्यान में रखकर इस नीति का
पालन किया जाएगा, सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। छात्र को पूर्ण स्वतंत्रता होती है इसके अंदर, और मनोवैज्ञानिक पक्षों जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता, क्या क्या विभिन्नताएँ हैं स्टूडेंट्स के अंदर, उनकी योग्यता क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, रुचि क्या है, अभिरुचि आदि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह डेमोक्रेटिक स्टडीज कहलाती है। तो इसके अंतर्गत निम्न नीतियाँ शामिल है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन स्ट्रेटजीज, आजकल हो गया है ये जो नई शिक्षा नीति, जो आई है हमारी एजुकेशन टीचर्स यूज़ कर रहे हैं शिक्षा नीति अपनी, उसमें ग्रुप डिस्कशन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और ये है होने ही भी लग गया है काफ़ी परसेंटेज में। देन प्रश्न उत्तर नीति, क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटजी हो गई, क्वेश्चन पूछना, आंसर बच्चों को देना, देन बच्चों की वेलवेट करना कि हाँ बच्चों ने कितना सीखा है। फिर है ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, समस्या समाधान नीति, प्रोजेक्ट स्ट्रेटजीज, ग्रह योजना बनाना, गृह कार्य नीति, होम असाइनमेंट स्ट्रेटजी, अभ्यास नीति, ड्रिल प्रैक्टिस स्ट्रेटजी। फिर है भ्रमण नीति, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड स्ट्रेटजीज, इनके द्वारा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण कार्यों से अनुगत कराया जाता है। तो ये सारी की सारी और भी है इसमें, मस्तिष्क टकराव, ब्रेन स्टॉर्मिंग वो भी है, स्वतंत्र अध्यापन, इंडिपेंडेंट स्टडी स्ट्रेटजी हो गई, बच्चा खुद पढ़ना चाहे, स्वतंत्र अध्ययन नीति, तो उसके लिए क्या क्या हमें बच्चों को अनुशासन देना चाहिए कि बच्चा खुद से पढ़ने लगे, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को अधिक से अधिक यूज़ में लाके किस प्रकार से बच्चा प्लान कर सकता है, उनके जो भी है आउटकम सीख कर, तो इन सभी नीतियों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है स्ट्रेटजीज प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दी एजुकेशन टीचिंग स्ट्रेटजी इन एजुकेशन सब्जेक्ट। थैंक यू।